हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रिजेश ठेनुआ अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं भाई। आज हमारा टूर का थर्ड डे है, तीसरा दिन है। और भाई दो दिन तो बहुत अच्छे गुजरे हमारे, और मेरे साथ बने रहिए। आज का ब्लॉग और भी खूबसूरत होने वाला है। जो हम रात को रुके थे भाई, श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और भाई यहाँ पर ऊपर मेरे को तो बांके बिहारी जी की मूर्ति सी लग रही है, कि बांके बिहारी लाल की मूर्ति है, पर मेरे लिए तो सारे बांके बिहारी है। वृंदावन से ब्लॉग करता हूँ भाई। ओके भाई, और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। जहाँ हम रुके थे भाई, यही जगह है। ऊपर हमने अपना टेंट लगा लिया था, बिस्तर लगा लिया, टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना बिस्तर लगाया और चल दिया इधर से। और भाई आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, और देखते हैं आज हम कोशिश करेंगे 150 किलोमीटर चलने का। भाई कल का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला था भाई, बहुत ज़्यादा पहाड़ पर चढ़ाई करना पड़ गया, इस वजह से हम नासिक नहीं पहुँच पाए। नासिक से 30 किलोमीटर पहले हमें रुकना पड़ा। पर भाई ये ब्लॉग बहुत अच्छा ट्रेवल है, बने रहना मेरे भाई। ओके भाई, चलो करते हैं वीडियो आज स्टार्ट आज का। हेलो दोस्तों, और वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम मंदिर में ही हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। आपको विट्ठल जी की मूर्ति दिखाता हूँ, बहुत ही भव्य मूर्ति है। आप ही बताइए ये कौन है। मेरे को तो बिहारी जी की मूर्ति लग रही है। ओके भाई, मथुरा वाले से मेरा अनुरोध है, वही बताएं मेरे को। ओके भाई, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं आपको गांव बता रहा था ना, जहाँ हम रुके थे वो था माड़ी खाम। और भाई बहुत अच्छा विलेज है ये, जहाँ पर हम रुके थे वो आपको दिख रहा मंदिर, वो मंदिर है जहाँ पर रुके थे हम। अभी हम पहुँच गए हाईवे पर, अब निकलते हैं, करते हैं सफ़र का स्टार्ट। और चाहते हैं भाई आज का ब्लॉग अच्छा बने। ओके भाई, बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों अभी हम आगे 15 किलोमीटर चल रही है आज। और भाई एस के ढाबा पर हमने यहाँ खाना खाया है, पीछे आपको जो खाना दिखा। और भाई अब चलते हैं भाई, चढ़ाई चल रहा है तो इतना नहीं है भाई, नॉर्मल है। और निकलते हैं भाई आगे, सफ़र तैयार करते हैं भाई अपना। ओके भाई, भाई हमें एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखा, फाइटर प्लेन, तो हमने की थोड़ा सा शूट कर देते हैं। लोकेशन भी अच्छा है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई ये रियल का है, आप इसे आर्टिफिशियल मत मानना, ये रियल का प्लेन है, पर इसको देखने के लिए रखा है सर गवर्नमेंट ने। भाई एक नहीं, हमें दूसरा भी मिल गया फाइटर जेट, ये भी रियल है भाई। देखिए समृद्धि मासिक ये जगह है भाई, दो हैं भाई, एक पीछे रह गया उधर और एक इधर भाई। बहुत सुपर भाई, रियल की है ये, पर मैं कह रहा इसमें इंजन वगैरह नहीं होगा, बॉडी इसमें रियल है भाई, वो मैंने नोटिस कर लिया। ओके भाई चल, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत लंबा सफ़र है अपना। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं आगरा पुणे हाईवे पर, और आपको बोर्ड दिख रहा होगा भाई। अभी नासिक रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर, पूना 217, दुले 162। ओके भाई, तो कैसा लग रहा मेरा ब्लॉग भाई, ज़रूर बताना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखिए क्या लिख रहा है, और गंगापुर सातपुर भाई, बहुत से नाम तो पहली बार सुनने के लिए मिल रहे हैं। ओके भाई, बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। हेलो दोस्तों, नासिक पहुंच गए हम। और भाई नासिक में अंदर पहुंचते ही देखिए नज़ारा दिखाता हूं आपको, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग है। अरे तो आपको टैंक दिखाता हूं भाई, आर्मी का टैंक दिख रहा भाई। स्टैचू नहीं भाई, ये भी रियल का है, पर ये आपको जो मीनार से दिख रहा है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। देखो शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा हुआ था। कोई भी इस चौक को जानता हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, पर व्यू बहुत अच्छा भाई इधर का, ग्रैंड रियो होटल। चलिए भाई चलते हैं आगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे भी तो शॉर्ट्स इसमें एडिट करने हैं भाई। ओके भाई, बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों भाई, चलो हम चल रही हैं। और भाई 3 घंटे लगातार सफ़र करने के बाद आज हम स्टॉप पर यहाँ पर लिया है, और यहाँ से भाई हमें लगातार चलना पड़ेगा, हम 4 बजे तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमें लगातार 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई यहाँ से। इससे पहले ना कोई ट्रैक है ना कुछ भी है, अब तो ब्रिज जो दिख रहा है वहाँ से सीधा पार निकलेंगे हम आगे तक।
तो भाई स्टार्ट करता भी 11:30 बज रहा है भाई, मंथली 3-4 घंटे नॉर्मली हमें लगातार चलना पड़ेगा। और पानी वगैरह हमने भर लिया है और ड्रेस भी हम चेंज करते हैं भाई, तो पैंट शर्ट से हम नहीं इतना लंबा रुकते हैं कवर कर पाएंगे, अपना हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के हम निकलते हैं। और भाई ब्लॉग आज का यार मेरे को लगता है 150 किलोमीटर चलाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई कट ही नहीं है भाई, ये सफ़र बहुत मनोरंजन होने वाला भाई, बने रहे मेरे साथ, अच्छा वीडियो होने वाला है। ओके भाई मिलते हैं भाई, बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं उजर भाई, थोड़ा यहाँ ठंडक मिला हमें, पेड़ मिला तो छाँव में बैठ गए भाई 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए। और भाई जहाँ से हमने पहले हमने कहा था ना पुल से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम 10 किलोमीटर और आगे आ गए हैं, और भाई अभी हमें 70 किलोमीटर आगे और चलना है, तो भाई थोड़ा स्टॉप ले लेकर चलना पड़ेगा, रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं भाई, जहाँ पर भी छाँव मिलती है वहीं रेस्ट ले लेते हैं 10-15 मिनट का, फिर आगे के लिए निकल जाते हैं भाई। ओके उधर यहाँ से 1 किलोमीटर है क्या अभी, और आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखेंगे अगर हाईवे से दिखेगा तो। ओके भाई बने रहना मेरे साथ, और ब्लॉग भाई थोड़ा लंबा रहेगा पर सपोर्ट करना भाई। ओके बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, भाई ये है धुले एयरफोर्स स्टेशन, वायुसेना स्टेशन उजर। देखिए भाई बहुत सुंदर व्यू भाई, इसी के अंदर जाना मना है वैसे, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी लोकेशन पर है। और भाई कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, ये अगर अंदर आलो रहता ज़रूर जाता भाई, फाइटर प्लेन का जब ही कह रहा था पीछे आपको, कई दो बार मैंने दिखाया फाइटर प्लेन, ये तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके भाई बने रहिए मेरे साथ, अच्छा ब्लॉग होने वाला है। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, भाई चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, देखते हैं भाई आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कोशिश तो रहेगा भाई 100+ करने का ट्रैवल, हो पाता कि नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे, सामने से हवा चल रही है ना भाई, ऊपर से गर्मी, रिहाइड्रेशन भी भाई, पानी जो हमने लिया था वो गर्म हो गया, फिर दोबारा भी भरा है भाई, जब थोड़ी तसल्ली मिली है। चलते बनते रहिए मेरे साथ, और भाई अच्छा ब्लॉग हो मैं तो यही चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो भाई आपकी मर्ज़ी, बस मेरा काम मेहनत करने का है और कर रहा हूँ, चलो भाई बने रहिए मेरे साथ। ओके भाई मिलते हैं भाई। दोस्तों हम आ चुके हैं 80 किलोमीटर, आज की राइड हमारी 80 किलोमीटर की हो चुका है अभी तक, और 20-22 किलोमीटर और चल पाएंगे भाई, क्योंकि फिर रहने के लिए सिस्टम दिखना पड़ेगा। और भाई यहाँ रुक के एक छोटा शूट ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई जगह है तो नहीं, पर जब भी आपको बताना ज़रूरी है कितना सफ़र कर लिया अभी तक, अभी 5:30 बज रहा है शाम का, और भाई वही 6-6:30 बजे तक हम राइड कर पाएंगे, 6:30 बजे तक लास्ट मान लो, जिसमें आपका 100 भी हो सकता है, कुछ कम भी रह सकता है। चलो ट्राई करते हैं भाई, बने रहिए, ब्लॉग अच्छा होगा। और भाई यहाँ तक वीडियो देखी आपने, सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना भाई, और तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रहा है भाई। ओके भाई चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना हमें। हेलो दोस्तों, आप देखो भाई बहुत लंबा टूर हो गया हमारा। हेलो दोस्तों, भाई बहुत लंबा टूर हो गया, जितना कवर हुआ उतना हमने कर लिया, और भाई अब रुकने का साधन देखते हैं भाई, क्योंकि अब सूर्य ढलने वाला है, आप रहने के लिए आश्रम देखना पड़ेगा, जहाँ भी व्यवस्था व्यक्ति नहीं करते। और भाई मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे भाई हमें मोटिवेशन मिले, अगर कमेंट करते रहते भाई जिससे हमें पता लगता रहता कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, हमें पसंद भी आ रहा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई। ओके भाई मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ओके भाई बनते मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, कल ब्लॉग फिर बनाएंगे, और भाई एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा मैं। ओके भाई बने रहिए मेरे साथ, और अगला वीडियो जल्दी आएगा नेक्स्ट वीक, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। दोस्तों हम आ चुके हैं 80 किलोमीटर, आज की राइड हमारी 80 किलोमीटर की हो चुका है अभी तक, और 20-22 किलोमीटर और चल पाएंगे भाई, क्योंकि फिर रहने के लिए सिस्टम दिखना पड़ेगा। और भाई यहाँ रुक के एक छोटा शूट ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई जगह है तो नहीं, पर
जो भी आपको बताना ज़रूरी है कितना सफ़र कर लिया अभी तक। अभी 5:30 बज रहा है शाम का और भाई वही 6:30 बजे तक हम राइड कर पाएंगे, 6:30 बजे तक लास्ट वाला, जिसमें आपका 100 भी हो सकता है, कुछ कम भी रह सकता है। चलो ट्राई करते हैं भाई, बने रहिए, ब्लॉग अच्छा हुआ। और भाई यहाँ तक वीडियो देखी आपने, सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रहा भाई। ओके भाई चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमें। हेलो दोस्तों, भाई आज का सफ़र हमने किया 90 किलोमीटर का, आज हम यहीं एंड करते हैं भाई। अब रहने के लिए देखिए सूरज भी अब ढल चुका है, अब रहने के लिए ठिकाना देखना होगा हमें। तो अपना हयाबुसा खड़ा हुआ है इधर। और भाई मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ। एक बार यहाँ का प्रॉपर लास्ट व्यू आपको देखता हूँ, देखिए हमें इधर की तरफ जाना है आगे। इधर व्यू बहुत अच्छा है भाई, बहुत शांत माहौल है भाई, कोई शोर शराबा नहीं, बस ट्रैफिक का आवाज़ है और को और कुछ नहीं। गांव बहुत दूर दूर है, इधर नज़दीक गाँव नहीं है भाई। अपने यूपी में तो भाई हर 10 किलोमीटर पर 4-5 गाँव पड़ जाते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई। ओके भाई मिलते हैं भैया कल नए वीडियो के साथ में। नहीं भाई हेलो दोस्तों, भाई आज का सफ़र हमने किया 90 किलोमीटर का, आज हम यहीं एंड करते हैं भाई। अब रहने के लिए देखिए सूरज भी अब ढल चुका है, अब रहने के लिए ठिकाना देखना होगा हमें। तो अपना हयाबुसा खड़ा हुआ है इधर। और भाई मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ। एक बार यहाँ का प्रॉपर लास्ट व्यू आपको देखता हूँ, देखिए हमें इधर की तरफ जाना है आगे। इधर व्यू बहुत अच्छा है भाई, बहुत शांत माहौल है भाई, कोई शोर शराबा नहीं, बस ट्रैफिक का आवाज़ है और को और कुछ नहीं। गांव बहुत दूर दूर है, इधर नज़दीक गाँव नहीं है भाई। अपने यूपी में तो भाई हर 10 किलोमीटर पर 4-5 गाँव पड़ जाते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई। ओके भाई मिलते हैं भैया कल नए वीडियो के साथ में। नहीं भाई